देखो अपन ने है ना शुरुआत के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कर लिया था, ठीक है, जिनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके और बेसिक कॉन्सेप्ट था वो अपन ने पूरा कर लिया कंप्लीट, ठीक है। आज अपने पास में चैप्टर है फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्लास में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इसका बेसिक है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे अपन आज की क्लास में। देखो सबसे पहले अपने पास में चैप्टर है फोर्थ वाले का नाम है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे जो भी इसकी डिग्री आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है अपने पास में ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे देखो इसमें इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है, कितनी है, x की पावर 2 है, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी, 2 आ गई, ठीक है। ये होती है अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। अब इसमें देखो अपने पास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना जो एक्सरसाइज 4.1 में है, ठीक है, उसके अंदर अपने को क्या क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है, और उनको चेक करना होता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करने का मतलब क्या होना चाहिए अपने पास में, ax स्क्वायर की टर्म उसमें होनी चाहिए। देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है, ठीक है। जो एक्सरसाइज 4.1 में अपने पास में सबसे पहले चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें दे रखा एक्स प्लस वन, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर दे रखा है 2x-3, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पर चेक कैसे करेंगे अपन, इसके अंदर यहाँ पे x प्लस वन है, ठीक है, मतलब a प्लस बी का और यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 2ab मतलब 2x, और इधर सॉल्व करो 2 को x से करने पे 2x आ जाएगा और 2 को 3 से करने पे 6 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर हो गया 1, x से x कट हो गया, ठीक है, प्लस 7 a 6 इधर आ गया, और प्लस 2 में क्या रह गया, 0, देखो 6 इधर हो गया, ये 1 है, x से x कट हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। अब अपने पास में देखो मेन रूप से x स्क्वायर की टर्म है ना, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। यहां पे देखो x स्क्वायर की टर्म आ रही है, ठीक है, b क्या है इसमें, 0 है, और 6 के यहां पे c कितना है, 6 है, ठीक है। तो अपने को मेन यहां पे ये देखना है ax स्क्वायर की टर्म इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की है, ठीक है, अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो ये है, ठीक है, आपको देखना है अच्छे से। देखो इसके अंदर अपने पास में फर्स्ट अपन ने कर लिया था चेक करने का होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको किस हिसाब से चेक करते हैं, अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया था। अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है अपन को इसमें क्या करना होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है और उसके क्या करना पड़ता है, अपन को जीरो फाइंड करना पड़ता है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, रूट फाइंड करना होता है। तो रूट फाइंड करने का क्या होता है, अपन जो सेकंड चैप्टर में पॉलीनोमियल लेते हैं ना उसी हिसाब से है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे 4.2 का है एक्सरसाइज का है एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 इक्वल्स टू में 10 इक्वल्स टू में 0, अपने पास में ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अपने को रूट फाइंड करने हैं। तो देखो रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0, मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए, नहीं होना तो इसको आपको कर लेना है। दूसरी यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर एक्स की टर्म आएगी, फिर कॉन्स्टेंट आएगा, एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई एक्स है, ठीक है, सी है, इक्वल्स टू में 0। इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर की टर्म है, ठीक है, 1 और यहाँ पे 10, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, आगे 10। अब 10 के आपको ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, ठीक है, जिनको प्लस माइनस पे कितना पे कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है। देखो पहले तो 10 के फैक्टर लिख लेते हैं, 2 × 5 ये आएगा, दो इसके 10 के 2 × 5 आएगा, ठीक है, और लिख सकते हैं 10 × 1 ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपन ना 2 में से 5 कम करेंगे, ठीक है, तो 5 में से 2 कम करेंगे तो अपने पास में 3 आएगा, प्लस माइनस का अपन जो डिजिट जो भी नंबर बढ़ाया वो ले लेंगे, ठीक है, माइनस का तो माइनस बढ़ा ले लेंगे यहाँ पे। तो देखो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 5x, देखो 5 में से 2 कम करने कितना आएगा, 3 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, इक्वल्स टू में 0, ठीक है, इतना जाएगा। अब आगे आपको देखना है यहाँ पे शुरुआत वाले दो टर्म में कुछ कॉमन लेना है और सेकंड वाले में कुछ कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया, एक्स प्लस 2 रह गया, और यहाँ पे 5 कॉमन लेने पे कितना रह गया, देखो
यहाँ पे प्लस का एक्स रह गया, यहाँ पे प्लस का टू रह गया, इक्वल टू में जीरो आएगा अपने पास में। एक्स प्लस टू दोनों में ये आ जाएगा, दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह गया, एक्स रह गया और यहाँ पे माइनस का फाइव रह गया, इक्वल टू में जीरो। अब देखो या तो ये अपने पास में जीरो होगा या ये जीरो होगा, देखो इसको सबसे पहले इक्वल टू जीरो रखते हैं, एक्स प्लस टू इक्वल टू में जीरो, दूसरा एक्स माइनस फाइव इक्वल टू में जीरो, इतना हो जाएगा आराम से। इतना होने के बाद देखो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ पे टू उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का टू अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फाइव उधर जाएगा किसका जाएगा, ये हो गया इसके प्लस का, माइनस का फाइव उधर जाएगा प्लस का, तो अपने पास में रूट कितने आ गए, एक तो माइनस का टू आ गया और एक प्लस का फाइव आ गया, ठीक है। इस हिसाब से अपने पास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो कर लेंगे आराम से। आगे देखो इसमें क्वेश्चन आता कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या करना, रूट स्क्वायर, रूट फाइंड करना, ठीक है, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।